सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं एपीथीलीअल कनेक्टिव मस्क्यूलर और नर्वस टिश्यू आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एपीथीलियल टिशू फर्स्ट एनिमल टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ एपीथीलियल टिश्यू ठीक है एपिथेलियल का मतलब क्या है ये एक ऐसा टिश्यू है विच इज़ कम्पोज ऑफ सेल्स लेड आउट इन शीट्स यानी कि सेल्स जो है, वो हैं वो शीट्स में अरेंज्ड हैं विध स्ट्रोंग सेल टू सेल अटैचमेंट्स और एक सेल का दूसरे सेल से स्ट्रोंग अटैचमेंट है और इनको जो बाउंड करके रखते हैं दीज प्रोटीस कनेक्शंस होल्ड द सेल्स टूगेदर टू फॉर्म अ टाइटली कनेक्शन कुछ प्रोटीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो इन सेल्स को टाइटली बाउंड करके रखते हैं वन साइड ऑफ एपिथीलियल सेल इज़ ओरियनटेड टूअर्द द सर्फेस ऑफ टिश्यू किसी भी टिश्यू की सरफेस की तरफ ओरिएंटेड होता है एक पार्ट एपिथेलियल सेल का और या फिर बॉडी कैविटी की तरफ हो सकता है वो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ होता है और जो दूसरा सरफेस है इट इज़ जॉइंट टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो ये हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स से हैं तो इनके जो बेस में प्रेजेंट होगी दैट विल बी बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि इनका जो एक साइड है उस तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये जो दूसरा साइड है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ हो सकता है बॉडी कैविटी की तरफ हो सकता है या फिर किसी दूसरे टिश्यू की को फेस कर सकता है बेसमेंट लेयर इज नॉन सेलुलर इन नेचर यानी कि ये सेल से नहीं बनी होती ये एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह होता है जिसमें वेरियस फाइबर्स प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं ठीक है इट हेल्प्स टू सीमेंट द एपीथीलियल टिश्यू ये एपिथीलियल टिश्यू को चिपका कर रखता है सीमेंट कर के रखता है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स इस टिश्यू के नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ एपिथिलियल टिश्यू को बाइंड करके रखता है कौन बेसमेंट मैम्रेन तो दिस इज द एपिथिलियल टिश्यू हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे टाइप्स स्टडी करेंगे ओके okay? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपीथीलियम यानी कि एपीथीलियल टिश्यू एपीथीलियम का एक टाइप है ये स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग यानी कि जो सेल्स हैं वो पहले तो शीट सिंपल स्क्वेमस में वो शीट की फॉर्म में प्रेजेंट थी अब वो शीट्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गई हैं यू कैन सी हियर देखो ये एक शीट है उसके ऊपर दूसरी शीट है देन दिस वन देन दिस वन दिस वन इस तरह से जो डिफरेंट uh, शीट्स थी एपिथीलियल सेल्स की वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर गई हैं जिससे उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन फॉर्म कर लिया है या हम कह सकते हैं कि उन्होंने लेयरिंग फॉर्म कर ली है तो इस तरह के टिश्यू को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम इसका लोकेशन यानी कि कहाँ कहाँ मिलता है ये मिलता है ईसोफेगस ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है हम माउथ से जो फूड इंजेस्ट करते हैं उस फूड पाइप के जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज द फूड पाइप ना तो इसके इनर साइड्स पे जो भी टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियन और हमारे माउथ के इनर पार्ट्स uh, में जो टिश्यू है वो भी यही है इट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एब्रेशन देखो ईसोफेगस में क्या हो रहा है फूड जा रहा है तो फूड के रबिंग की वजह से एब्रेशन हो सकता है यानी कि कहीं छोटा मोटा वुंड कॉज हो सकता है कोई थोड़ी बहुत खरोच टाइप कुछ स्क्रैचेज हो सकते हैं उससे ये हमारी जो इनर अंडरलाइंग सेल्स हैं उसको यानी कि इसके नीचे हमारी कुछ बॉडी की सेल्स होंगी ना ये अगर आ, सपोज करो ईसोफेगस है ये इसके अंदर वाली साइड भी स्क्वैमस है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और ये इस साइड भी है तो इसके नीचे जो सेल होंगी वो कुछ अलग सेल्स होंगी तो उन सबको प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपीथीलियम क्यूबोइडल का मतलब कि जो सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा एक क्यूब के जैसा होगा यू कैन सी हीयर जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब की तरह है और बीच में जो ब्लू डॉट से शो किया गया है वो न्यूक्लियस है तो क्यूब लाइक सेल्स होंगी अगर उनकी सिर्फ एक ही लेयर है तो सिंपल क्यूबोएडल एपिथीलियम कह देंगे और अगर बहुत सारी लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल एपिथीलियम कहेंगे लोकेशन क्या क्या है इसकी इट इज़ प्रेजेंट इन द डक्ट्स। डक्ट्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसी ऑर्गन से किसी दूसरे पार्ट तक सब्सटेंसेस को कैरी करने का काम करती हैं एंड सिक्रेटरी पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स ग्लैंड्स के अंदर एक ऐसा पार्ट सपोज करो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम है यानी कि कोई ग्लैंड है और उसके अंदर का ये लेयर है ठीक है और इसमें जो एक स्मॉल एरिया है यहाँ से कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं तो ये जो सिक्रेटरी पोर्शंस हैं ना यहाँ पर कौन सा एपिथीलियम है क्यूबोइडल एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स हमें पता है किडनी के पास ट्यूब्यूल्स हैं वो यूरेटर तक जाती हैं सब्सटेंसेस को लेकर वेस्ट सब्सटेंसेस को वो यूरिन के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिए जाते हैं तो उन ट्यूब्यूल्स में भी कौन सा एपिथीलियम है क्यूबॉइडल इसका फंक्शन है सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करना इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम नेक्स्ट इज सिंपल कॉल्यूमर एपिथीलियम कॉल्यूमनर टिश्यू है तो सेल्स का शेप कैसा होगा कॉलम लाइक कॉलम लाइक सेल्स कैसी होती हैं कि लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई बहुत कम होगी और न्यूक्लियस कैसा होगा इस बार इलोंगेटेड होगा राउंड नहीं होता है क्यूबोइडल सेल्स इस तरह से होती हैं जिनमें राउंड न्यूक्लियस होगा लेकिन जो कॉल्यूमर सेल्स हैं कॉल्यूमर एपिथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एलोंगेटेड होता है ठीक है ये यहाँ पर शो की गई है अगर सिंपल कॉल्यूमनर है तो उसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट नहीं होंगी सिलिया क्या है बहुत छोटी छोटी इस तरह से फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन हैं जो किसी भी चीज़ को ट्रैप करने के काम आती हैं ठीक है लेकिन यहाँ जो शो किया गया है दिस इज सिंपल कॉल्यूमनर विद माइक्रोविलाई माइक्रोविलाई क्या है फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस हैं उंगलियों जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रैप करने का काम करती हैं किसी भी सब्सटेंस को ठीक है तो अगर इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं तो हम इन्हें कह देते हैं कि ये क्या है सिलिएटेड कॉल्यूमनर हो गई कैसी हो गई सिलिएटेड कॉल्यूमनर यानी कि दीज हैव सिलिया ऑन देयर सरफेस दीज हैव सिलिया ऑन देयर सरफेस सिलिएटेड टिश्यू इंक्लूडिंग द ब्रोंकाई यूटराइन ट्यूब्स यूट्रस ब्रोंकाई क्या होता है जो हमारे लंग्स जो होते हैं वहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस होता है उसकी ब्रांचेज होती हैं लास्ट में एल्वियोलाय प्रेजेंट है यूटराइन ट्यूब्स एंड यूट्रस यूट्रस जो होता है फीमेल्स के केस में वहाँ और उसकी जो ट्यूब्स होती हैं जो फैलोपियन ट्यूब तक जाती हैं वहाँ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम है स्मूद आर इन द स्मूद का मतलब है कि जहाँ जो नॉन सिलियटेड टिश्यू है यानी कि ये माइक्रोविलय नहीं होंगे सिर्फ इस तरह की सेल्स होंगी वो कॉल्यूमनर uh, एपिथीलियम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिनरी ब्लैडर में इसके फंक्शंस हैं इट एब्जोब एंड सीक्रेट्स म्यूकस एंड इंजाइम्स म्यूकस एक थिक सब्सटेंस है जो आ, मैंने पहले भी बताया था कि आउटसाइड जो पैथोजेंस बॉडी में एंटर करते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है एंड इंजाइम्स यू नो वेरी वेल इंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट हमारी बॉडी में कुछ भी फूड का डाइजेशन हो रहा है बाकी कोई केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कर रही हैं तो उनको आ, कैरी ऑन करवाने का काम कौन करते हैं एंजाइम्स करते हैं तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सिंपल कॉल्यूमर एपिथीलियम। दिस इज द सिंपल स्क्वेमस एपी थीयम सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम जो है वो सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी अगर ये सिंगल लेयर्ड है तो हम इसको सिंपल स्क्वैमस बोल देते हैं और अगर इस तरह की जो सेल्स हैं वो बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स में मिलेंगी तो हम उसको स्ट्रेटिफाइड एपीथीलियम बोल देते हैं दिस इज द बेसमेंट मैमब्रेन ठीक है लोकेशन क्या है एयर सैक्स ऑफ लंग्स लंग्स जो हैं उनके लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं एलविओली और वहाँ पर एयर जो है जो भी एयर हम इनहेल करते हैं इन्ेल करते हैं सॉरी वो वहाँ फिलअप होती है उन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में दीज आर द एयर सेक्स और एलविओली एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट हार्ट की इनर लाइनिंग पे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स पे लिम्फेटिक वेसल्स की लाइन लाइनिंग्स पे लिम्फ लिम्फ क्या होता है ब्लड की तरह ही एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है अभी हम आगे कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे तब हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे तो लिम्फ को कैरी करने वाली जो वैसल्स हैं वैसल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ठीक है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो वो वहां पर सब जगह सिंपल एपिथीलियम है इट फंक्शन क्या है इट अलाउज़ मटीरियल्स टू पास थ्रू बाय डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न हमें पता है ना हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन फिल्ट्रेशन का काम करती हैं सिक्रेटिंग एंड लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है कोई फ्लूड सिक्रेट uh, कराना किसी सब्सटेंस पे ठीक है वो होता है लुब्रिकेशन उसका सिक्रेशन कराएंगी ये सब फंक्शंस कौन करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस डिस्कस करते हैं इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन टिश्यूज़ फ्रॉम रेडिएशन एंड फिजिकल एब्रेशन कोई किसी तरह का फिजिकल रबिंग है कोई रेडिएशन्स का इफेक्ट है तो उस सबसे अंडरलाइंग टिश्यू को जैसे सपोज करो हमारी जो स्किन है ये आ, अगर हमारा हैंड हम देखें तो ये हमारी स्किन है इस पर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होता है अब ये क्या करता है कि एक्सटर्नल इन्वामेंट में जो टेम्परेचर चेंज है अगर कुछ आ, हमारे आसपास पास ऐसा है जो हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज़ को अफेक्ट कर सकता है मान लो कुछ यहाँ कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखा है और उससे हमें चोट लग सकती है तो हमारा जो आ, जो आउटर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू है ये अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रिवेंट करता है फर्दर किसी भी वुंड या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से दूसरा काम है एब्जॉर्बशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहाँ पर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ पर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने का काम फूड से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी यही करता है रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ केमिकल्स बिटवीन द अंडरलाइन टिश्यूज़ एंड बॉडी कैविटी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ एक्सक्रीट भी किए जाते हैं कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं कुछ ऐसे हैं कुछ केमिकल्स uh, जो सीधा बॉडी कैविटी कैविटी का मतलब होता है फ्री स्पेस बॉडी के अंदर जो भी फ्री स्पेस होता है लेयर्स के बीच दैट इज़ बॉडी कैविटी तो एक्सक्रीशन का uh, जो केमिकल्स का एक्सक्रीशन होता है वहाँ वो अंडरलिंग टिश्यूज़ के बीच कराने का काम एपिथेलियल टिश्यू करता है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स इन द ब्लड जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है यानी कि जो एपिथीलियम ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है वेरियस ग्लैंड्स में वो क्या करवाता है हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कराएगा इन टू द ब्लड ब्लड और वो जो हार्मोन्स हैं वो स्क्रीट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं सिक्रीशन ऑफ स्वैट म्यूकस एंड एंजाइम्स म्यूकस क्या होता है एक थिक सब्सटेंस uh, होता है विच ट्रैप्स द एंटीजेंस कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको ट्रैप करने का काम करता है ताकि वो हमारे बॉडी के इनर टिश्यूज़ की तरफ ना पहुँच पाए द डिटेक्शन ऑफ सेंसेशन हमारी जो स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है लेकिन उस पर अगर हम कोई चीज़ टच करते हैं तो हम उस सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से एक मैसेज हमारे माइंड के पास जाता है ब्रेन के पास जाता है तो ये भी फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का